देखो फ्रेंड, आज की स्पीड में हम दो तीन चीजों को ध्यान में रख के लोन के लिए आवेदन करने वाले हैं। जहां सबसे पहला फ्रेंड, आपको 5 लाख रुपए तक का लोन मिलना चाहिए कम से कम। दूसरा, आपको इंटरेस्ट रेट कम से कम होना चाहिए। और तीसरा, आपको एक अच्छा टाइम पीरियड मिलना चाहिए जिससे आप लोन को रिपेमेंट कर सके। इन सभी को ध्यान में रखे हम लोन को रिपेमेंट करने वाले हैं। इसके लिए आपको इस तरीके से साइड स्क्रीन में देखते चलना, जहां से मैं आपको सबसे पहले ही बता दूं फ्रेंड, देख सकते हैं आपको यहीं से 5 लाख रुपए तक का लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि 10 मिनट के अंदर ही आपको लोन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा आपके अकाउंट में। पेपरलेस जो फ्रेंड प्रोसेस रहेगा, 100% ये डिजिटल प्रोसेस है। ये चीजें आप यहीं से आके देख सकते हैं। इसके अलावा और कई सारी चीजें मिलेगी जहां से इस लोन के लिए आप आवेदन करना चाहेंगे, तो मिनिमम आपकी एज 21 वर्ष होनी चाहिए। इस तरीके से आपको नीचे आएंगे तो कई सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगे। हम सिंपली यहां से बैक आते हैं, ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। इसके परमिशन को अलाउ करना, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, टर्म को एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट एंड अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहां से अलाउ करने के परमिशन आ गया, फिर परमिशन को अलाउ करेंगे, देन आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। अब इस फ्रेंड आप लोन के आवेदन करेंगे, जहां सबसे पहले अपना नंबर डालेंगे, आपके नंबर में ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी डाल के आपको इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब आप सबसे पहले आपको अपना इसे फिल नेम नाम फिल करना, फिर तो जो भी आपका नाम रहेगा वो नाम फिल करेंगे। नाम किसके बाद आपको अपना इसे लास्ट नेम फिल करना है। इसके अलावा फिर आपके पास जो रेफरल कोड है वो रेफरल कोड फिल करेंगे। तो ये फिर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक में जो रेफरल कोड दिया, फिर आपको डिस्क्रिप्शन वो रेफरल कोड आपको यूज करना है। यहाँ पास तो आपको 1000 रुपए का कैशबैक देखने के लिए मिल जाएगा यहीं से इस तरीके से। इसके अलावा फिर आपको सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा, जहां से पूछ रहा है फ्रेंड कि आपको सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉय। अगर सैलरी पर्सन रहेंगे तो आपको कंपनी के नेम फिल करना है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय रहेंगे फ्रेंड तो सेल्फ एम्प्लॉय वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे एंड सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड, तो फिर आपके सामने नया पेज ओपन होके आ जाएगा, जहां से आपको पूरे प्रोसेस को फिल करना है। तो फ्रेंड जैसे आपके सामने इस प्रकार से वर्क करेगा, फिर इसे देख सकते हैं आपसे पूछ रहा है आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगी फ्रेंड, वो डेट ऑफ बर्थ आप यहीं से फिल करेंगे। तो मैं अपने डेट ऑफ बर्थ जो भी रहेगा उसको फिल करेंगे, जहां सबसे पहले आपको इसे ईयर को सेलेक्ट करना है। तो ईयर क्या रहेगी फ्रेंड उसको सेलेक्ट करेंगे एंड अपने डे को सेलेक्ट करेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये डेट ऑफ बर्थ फ्रेंड आप अपने यहीं से जो कि आपके यहीं पैन कार्ड रहेगा उसके हिसाब से फिल करना है। फिर आपके पैन कार्ड का नंबर क्या है फ्रेंड, उस पैन कार्ड के नंबर को फिल करेंगे। इसके बाद पैन कार्ड का नंबर जैसे आप फिल करेंगे तो नीचे से आपको देख सकते हैं कंटिन्यू को ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने नया पेज आएगा, थोड़ा सा ये स्लो वर्क कर रहा है। अब बोल रहा है फ्रेंड कि अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना है, तो आपको एक ऑप्शन मिलता है, इसे देख सकते हैं वेरीफाई विथ डिजी लॉकर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे वेरीफाई विद डिजी लॉकर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फिर तो ये अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करेगा। तो इसके लिए अपने आधार कार्ड के आपको इसे नंबर को फिल करना रहेगा, जहां से अपने आधार कार्ड के आपको इसे सिंपली नंबर फिल करेंगे एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके जो भी आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक ओटीपी जाएगी। ओटीपी डाल के आपको सक्सेसफुली लॉग इन करना है। फिर जैसे फ्रेंड आप ओटीपी डालेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, जहां से देख सकते हैं बोला आपने जो अकाउंट क्रिएट किया था अपना डिजी लॉकर को, उस समय जो 6 डिजिट का आपने पिन क्रिएट किया था वो पिन आपको यहां से फिल करना है। फिर फिल करने के बाद आपको सिंपली डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे फ्रेंड पिन फिल करने के बाद आपको सिंपली डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो किया जाएगा, जहां से आपको बताया जाएगा आपसे कौन कौन सी परमिशन मांग रहा है। इन सभी परमिशन को आपको इसे अलाउ करना है, तो जिससे आप ये डिजी लॉकर से KYC आपकी सारी जानकारी इसे उठाएगा। हम सिंपली अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये कौन कौन सी जानकारी रहेगी फिर आपकी KYC के लिए, वो जानकारी सभी इसे रिजेक्ट कर लेगा। फिर आपके सामने फेचिंग होगा डिजी लॉकर से, जहां से आपकी सारी जानकारी मैच करेगा। इसके बाद फिर आपके सामने नया पेज आएगा, जहां से बोला जाएगा आपके आधार कार्ड की जो KYC सक्सेसफुली कंप्लीट कर देगा, नहीं अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कर लिया था। हम सिंपली डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे फ्रेंड आप इसे डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से नया पेज आएगा, जहां से पूछ रहा है आपकी सैलरी डिटेल फिल करने के लिए। तो इस हिसाब से बोल रहा है फ्रेंड कि आपकी मंथली जो इनकम कितनी है वो मंथली इनकम फिल करनी है। तो मैं अपने इसे फ्रेंड मंथली इनकम आपको सिंपली फिल कर देता हूं। जो भी आपकी मंथली इनकम रहेगी फिल करेंगे फ्रेंड। फिर पूछ रहा है कि टाइप्स ऑफ रेजिडेंस, आपका रेजिडेंस किस टाइप का, आप जहाँ रह रहे हैं वो क्या पर्सनल है, रेंट है या फिर पेरेंटल है फिर अदर है। अगर आपका पर्सनल है तो पर्सनल वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे एंड सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने इस प्रकार से आएगा, जहां से देख सकते हैं आपको लोन्स के बारे में बताया जाएगा कि यू जस्ट अनलॉक फीचर्स भी यहीं से फटाक पे। आप देख सकते हैं इन्होंने बताया गया है फिर क्या सीधा रिडायर किए हैं अब आप यहीं से दूसरे कंपनियों में, जहां से बोल रहे फिर आप यहीं से बिल पे कर सकते हैं या फिर ये चीज़ें मिल गई और अदर कई सारे काम अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं फिर अगर आप नहीं तो फिर आपको नीचे लिखा गया कंटिन्यू विथ लोन अप्लीकेशन को आपको सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। अभी इस देख सकते बताया गया है
है कि जहाँ सबसे पहले कि आपको 1,00,000 रुपये तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलेगा, म्यूचुअल फंड वगैरह ये चीज़ें दी गई फ्रेंड, अगर आप इसे करना चाहें तो कर सकते हैं। अब सबसे जो ध्यान रखने वाली चीज़ें फ्रेंड यही से बताया गया है, अब देख सकते हैं बताया गया कि यू चेंज द नॉमिनेशन फीस 118 रुपये विल कवर योर एडमिनिस्ट्रेशन फीस, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, लीगल असिस्मेंट, इंश्योरेंस फीस एंड टैक्सेस। टोटल मिला के फ्रेंड ये बोर्ड आपको 118 रुपये का चार्ज पेमेंट करना पड़ेगा। अब जो ध्यान में देने वाली बात यहाँ फ्रेंड देख सकते बताया गया कि आपको डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई करने के लिए और ये दुनिया भर के आपके इसे चार्ज ये लगाया जा रहा है। तो मैं आपको एक ही रिकमेंड करूँगा फ्रेंड कि जब आप किसी अदर कंपनी से लोन के लिए आवेदन करने जा रहे हैं जहाँ से आपको फ्री में लोन आवेदन हो रहा है, ना तो 1 भी रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ रहा है, यहाँ तक कि फ्रेंड दूसरी कंपनियों में जो आपको प्रोसेसिंग चार्ज GST चार्ज वो भी कई सारे में छूट मिला और कई सारी कंपनियों में काफ़ी कम आवेदन के लिए लगाया जा रहा है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा इस एप से आके आपको लोन के लिए आवेदन नहीं करिएगा, क्योंकि मान लीजिए अगर एक बार यहीं से चार्ज को पे कर देंगे और आपका इन केस लोन रिजेक्ट होता है, आप फ्री अप्लाई करने जाएंगे तो फिर से आपको इसे 118 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा फ्रेंड आप यहां से लोन के लिए आवेदन नहीं करिएगा। बाकी एक प्रोसेस था, आप लोगों को कमेंट्स आया था कि हम कैसे लोन के लिए आवेदन करेंगे फटाक पे से, तो मैंने कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में दिखाया, क्योंकि मैं आगे प्रोसेस नहीं दिखाने वाला हूं फ्रेंड, क्योंकि मैं भी आपको जैसे बताया रिकमेंड यही कर रहा हूं आप यहां से लोन के लिए आवेदन नहीं करिएगा। सो फ्रेंड ये पूरा प्रोसेस कि आपको फटाक पे से लोन के लिए आवेदन करना या नहीं करना मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखा। आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद होगा, ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर करिएगा, और अगर आप लोन के लिए आवेदन ही करना है तो आप ट्रू बैलेंस, नाबी या फिर कोई अदर ऐसे जो RBI NBFC रजिस्टर्ड कंपनी है वहाँ से लोन के लिए आवेदन कर लीजिए। मैं इस चैनल पर काफ़ी सारे ऐसे वीडियोज ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ जहाँ से आप लोन जाके ले सकते हैं। अगर फ्रेंड आप चैनल पर पहली बार विजिट किए सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिएगा, इंटरेस्ट में आप बहुत मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।